सचिवालय में समीक्षा बैठक होगी। सीएम हरीश रावत सचिवालय में समीक्षा बैठक लेंगे। 3 बजे प्रताप नगर नरेंद्र नगर विधानसभा की यह समीक्षा होनी है। टिहरी विधानसभा की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री हरीश रावत। इस बैठक में तीनों विधानसभाओं के विधायक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पर्यटन मंत्री दिनेश धने भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम हरीश रावत। पंकज पवार उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आज समीक्षा बैठक की जाएगी, सचिवालय में बैठक की जाएगी, क्या कुछ होगा इस बैठक में? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जो है विधानसभावार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब टिहरी क्षेत्र के कुछ इलाकों की, प्रताप नगर हो गया, इसके अलावा टिहरी जो मेन टिहरी क्षेत्र है वहाँ वो विधानसभा होगी। इन तमाम विधानसभाओं की समीक्षा नरेंद्र नगर के साथ मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो, क्योंकि हर सरकार जो होती है वो चुनाव को देखते हुए आगे बढ़ती है, तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत भी अब चुनाव को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए विधानसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभाओं की समीक्षा की जा रही है। और 2015 को के तहत अभी तक कितनी घोषणा पूरी हो चुकी है, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर रामनगर के गर्जिया मंदिर घूमने के लिए आए जीजा और साली पर मनचलों ने बुरी नीयत डाली। मनचलों ने लड़की के साथ छेड़खानी की और उनके साथ मारपीट भी की। मुरादाबाद के 6 मनचले युवकों ने साली के साथ दबंगई दिखाते हुए छेड़खानी की। जब उसके जीजा ने छेड़खानी का विरोध किया तो मनचले युवकों ने जीजा के साथ जमकर मारपीट की। सभी युवक शराब के नशे में धुते थे। लड़की ने इसका विरोध किया तो उन्होंने लड़की को बुरी तरह मारपीट कर उसके कपड़े फाड़ दिए। किसी तरह लड़की ने अपनी जान बचाकर वहां से भागी। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई, लेकिन अभी तक जीजा का कोई पता नहीं चला है। मनचले युवक सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस में आए थे। आरोपियों को गर्जिया मंदिर में दुकानदारों ने मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हाँ, मेरे कपड़े फाड़ दिए पूरे। हाँ, ये ले जा रहा था, ये और ये 3 पकड़ के मुझे खींच के ले जा रहे थे जंगल, जंगल की तरफ, मंदिर के उस तरफ जंगल है, उस तरफ ले जा रहे थे मुझे खींच। FL2 को लेकर चौतरफा घिरी सरकार को आखिरकार नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि FL2 का काम मंडी परिषद, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम से छीन लिया जाए और किसी दूसरी एजेंसी को दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने तर्क दिए कि मंडी परिषद, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम का काम शराब का कारोबार करना नहीं है, निगमों को अपना मूल काम ही करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने तर्क नहीं माना और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि अगर FL2 का काम निगमों से हटा दिया जाए तो इसमें जनता का क्या हित है, जिसका जवाब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नहीं दे पाए। इसके बाद कोर्ट ने FL2 की ताजा नीति को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। अब FL2 का काम मंडी परिषद, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम ही देखेंगे। अहम खबर रुद्रपुर से, जहां कल्याणी नदी में बालक बह गए हैं। बालक का शव मिला है। आपको बता दें, भूत बंगला क्षेत्र में नदी किनारे शव बरामद किया गया है। पुलिस के गोताखोर दल ने शव को ढूंढा। गुरुवार सुबह धोबी घाट पर बालक बह गया था जिसका शव बरामद कर लिया है। पुलिस के गोताखोर दल ने शव को ढूंढ निकाला है और शव को बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह धोबी घाट पर बालक बह गया था। उत्तर प्रदेश की हरीश रावत सरकार को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें FL2 को मंडी समिति, GMVN और KMVN के हाथों से लेकर दूसरी एजेंसी को दिए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले का मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वागत किया है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के हितों की जीत है। कोर्ट ने फैसले से हमारी उस नीति पर मुहर लगती है जिसे हमने प्रदेश के ही उत्पादों को शराब में खापने की नीति बनाई थी। बीजेपी ने पोंटी चड्ढा ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई थी। न्यायालय का फैसला है वो राज्य की आम जनता और विशेष तौर पर जिन क्षेत्रों के फलों को, जिन क्षेत्रों के उत्पादों को खपाने के लिए हमने आबकारी पॉलिसी को
में एक व्यापक बदलाव पैदा किया है उन लोगों की जीत है। और मैं न्यायालय का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसको जनहितकारी नीति परिवर्तन माना। जहां एक तरफ किशोर उपाध्याय ने अपने मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं को संपत्ति सार्वजनिक करने के निर्देश दिए, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने किशोर उपाध्याय को फिर से निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसे 10 कांग्रेस नेताओं के नाम मौजूद हैं जिन्होंने जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं और उनके मकान अवैध बने हुए हैं, जिन्हें जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। मैं इस बात को लेकर के मैं कहता हूं कि यदि वो पाक साफ हैं और यदि वो एक जैसा पूरी तरह से प्रदेश की जनता को देखना चाहते हैं तो जिस जिसके भी अवैध कब्जे हैं, अवैध निर्माण हैं, उनको ढाना चाहिए। और ये अवैध निर्माण कोई अन्य जगह नहीं तो उन्हीं के घर के अंदर बैठे हुए हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के भाई का द क्लब पूरी तरह अवैध उसमें बना हुए हैं कुछ जगह। तो ऐसे 10 लोग कांग्रेस के हैं जिन्होंने कि अवैध कब्जा करके मकान बनाए हुए हैं। हाईकमान के फरमान के बाद बीजेपी नेताओं की बैटरी चार्ज दिख रही है। नेता रोज नए मुद्दों के साथ सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी आरोपों को नकारने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे ही सुस्ती से 2017 की नैया पार हो जाएगी। बीजेपी के दिग्गज इन दिनों सरकार से दो दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। सरकार के होश पाख्ता करने के लिए हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस चुस्ती का राज क्या है। दरअसल अंदर की बात ये है कि आलाकमान घपले घोटाले के मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है। खुद अमित शाह सिंह जैसे मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में नेता खुद को अव्वल दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, यानी कि लड़ाई पार्टी का चेहरा बनने की भी है। मुख्य सचिव की जो जांच है ये गलत है। हमारी डिमांड रही है कि या तो सीबीआई जांच इस पर होना चाहिए या फिर जो जज जो एक्टिव है इस समय जुडिशियल जांच जिसको बोलते हैं हाईकोर्ट के, उनके देखरेख में जांच होना चाहिए। सचिवालय में कोई काम नहीं हो रहा है, इतना बड़ा इशू है। केंद्र संज्ञान ले रहा है और सीडी प्रकरण में कांग्रेस सरकार बुरी तरह गिर गई है और ये समय की मांग है कि इसमें संघर्ष और तेज किया जाए और प्रदेश सरकार को बेनकाब किया जाए। इस सब के बीच कांग्रेस सरकार और संगठन सिर्फ आरोपों को निराधार बताने तक ही सिमटा है, ना कोई तथ्य ना कोई फूल प्रूफ जवाब। इस जंग में सिर्फ सीएम ही सक्रिय दिख रहे हैं, बाकी मंत्री और संगठन तो बयानों तक ही सीमित हैं। भाजपा के पास और कोई काम नहीं रह गया है राजनीति के अंदर जो है इस तरीके की बातों को कहने के। और जब तक कोई चीज़ तथ्यागत तरीके से सामने ना आए, और मैं समझता हूँ कि किसी ऐसे कंक्लूजन पर जब आरोप प्रत्यारोप का ही की राजनीति कुछ राजनीतिक दल कर रहे हो तो उस पर विचार करना संभव नहीं। आपका उद्देश्य ये भी नहीं है कि जांच हो, आपका उद्देश्य ये भी नहीं है कि जो अपराधी है उसको दंड मिले अगर तथाकथित कोई उसमें है। आपका खाली एकमात्र उद्देश्य है कि जो एक अच्छी सरकार यहाँ पर काम कर रही है उस सरकार को कैसे गिराया जाए, उस सरकार के सामने कैसे जो है वो रुकावटें पैदा की जाएं। कुल मिलाकर बीजेपी नेता वर्चस्व की जंग लड़ रहे हैं, आलाकमान की नजर में आने के लिए ही सही, लेकिन ये तेवर आने वाले दिनों में सरकार के और पसीने छुड़ा सकते हैं। प्रदेश की हरीश रावत सरकार के खिलाफ भाजपा इन दिनों अति आक्रामक है। हालांकि कई मौकों पर भाजपा में बिखराव और एकता की कमी साफ नजर आती है, लेकिन क्योंकि मामला आलाकमान से जुड़ा है तो सभी नेता एकता दिखाने में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस जो हरीश रावत के पीछे एकजुट तो नजर आती है, लेकिन भाजपा को पलटवार करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री क्यों अकेले पड़ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस।
प्रदेश के हरीश रावत सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि एनडी तिवारी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जो सुविधाएं पहले से मिलती आ रही हैं वो मिलती रहेंगी। सरकार ने फैसला तब लिया है जब एनडी तिवारी ने पत्र लिखकर सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं सरकार अब एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं के मामले को कैबिनेट में ले जाने की तैयारी कर रही है, जिससे लगता है कि बाकी पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी कुछ राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी की तमाम सुविधाएं जो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिलनी थी मिलती रही हैं, उन्हें यथावत करने के आदेश दिए हैं। अन्य पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं के मुद्दे को अगली कैबिनेट में रखने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। मलेशिया के एक रेस्टोरेंट में नौकरी करने गए टिहरी जिले के 11 लोग फंसे कर रह गए हैं। दरअसल टिहरी जिले के 11 लोग नौकरी के लिए मलेशिया के क्वालालंपुर के एक रेस्टोरेंट ओरिजिनल के मांग सायोना चिकनेरा में गए थे, लेकिन 3 दिन पहले रेस्टोरेंट मालिक ने इन सभी 11 लोगों को रेस्टोरेंट से मेडिकल छुट्टी पर जाने को कहा। जब सभी लोगों ने होटल मालिक से तनख्वाह मांगी तो रेस्टोरेंट मालिक ने इन्हें 2 महीने की तनख्वाह ना देकर सभी लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। परेशान लोगों ने भारतीय दूतावास में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। टिहरी के प्रतापनगर के शजेंद्र सिंह नेगी ने अपने परिजनों को फोन पर सूचना दी तो मामले का खुलासा हुआ। सभी वहां परेशान हैं, ना तो खाने पीने का साधन है न रहने का ठिकाना। दिल्ली में रहने वाले टिहरी के प्रतापनगर के सीए राजेश्वर पेन्यूली ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को जानकारी दी और सभी को वापस लाने की गुहार लगाई है। इन्हीं 9 लोगों में से एक है टिहरी जिले के परसूत गांव का रहने वाला सजेंद्र। उनकी मां, पत्नी और बच्चे उसके लिए परेशान हैं। सजेंद्र के परिजनों का कहना है कि उन्हें काफी समय से वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिसकी मांग करने पर होटल मालिक ने सभी के पासपोर्ट जब्त कर इन्हें बंधक बना लिया है। हालांकि अब सभी लोग भारतीय दूतावास के संपर्क में बताए जा रहे हैं। सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि उनको जो 10-11 लोग हैं सुरक्षित घर लाया जाए। उनके भरण पोषण का जिम्मेदार और कोई नहीं ले सकता है। उनके बच्चे होंगे घर में, माँ होगी, पिताजी होंगे, भाई बहन होंगे, तो ये बड़ी विकट समस्या है कि होटल वालों ने उनको 11 महीने से तनख्वाह देते हुए उनको बंधक बनाया हुआ है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उनके जाल माल की रक्षा और घर आने की व्यवस्था में एकाग्र हूँ। तो रोजी रोटी के लिए होटल में काम करने गए मलेशिया गए उत्तराखंड के 9 लोग फंस गए हैं। उन्हें वहां बंधक बनाकर रखा गया है। इन्हीं 9 लोगों में से एक है टिहरी जिले के परसूत गांव का रहने वाला सजेंद्र। उनकी मां, पत्नी और बच्चे उसके लिए परेशान हैं। सजेंद्र के परिजनों का कहना है कि उन्हें काफी समय से वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिसकी मांग करने पर होटल मालिक ने सभी के पासपोर्ट जब्त कर इनको बंधक बना लिया। हालांकि अब सभी लोग भारतीय दूतावास के संपर्क में बताए जा रहे हैं। समाचार बस की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। मलेशिया में टिहरी के 11 युवकों के फंसे होने की खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत हरकत में आए हैं। सीएम ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखकर युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सीएम ने लिखा है कि समुचित दस्तावेजों के अभाव में उनकी स्वदेश वापसी में समस्या आ रही है। ऐसे में जब तक उनकी सकुशल वापसी का इंतजाम ना हो तब तक उनके रहने खाने का भी सरकार इंतजाम करे। उनकी तुरंत रिहाई के लिए, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से ये अनुरोध किया कि वो अपना हस्तक्षेप कर उन युवाओं की वापसी उत्तराखंड में सुनिश्चित कराएं, उनकी सुरक्षा, उनका रोजगार ये तब सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो सेफ रहे। सरकार से वार्ता के इंतजार में बैठी आंगनबाड़ी वर्कर्स की सरकार ने 8 में से 5 मांगों पर अपनी सहमति जता दी है, लेकिन मानदेय बढ़ाने की बात पर सरकार की तरफ से कोई खास बात सामने नहीं रखी जाने पर नाराज आंगनबाड़ी वर्कर ने लैंसडाउन चौक पर जाम लगा दिया, जिससे शहर के लोगों को जाम के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हजारों की संख्या में प्रदेश भर से देहरादून पहुंची आंगनबाड़ी वर्कर के आगे पुलिस भी बेबस नजर आई।
वहीं सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर संसदीय सचिव राजकुमार ने वर्कर को 8 में से 5 मांगे मानने की बात कही। दूसरी तरफ आंगनबाड़ी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि पूरे संगठन का जो फैसला होगा वही उनका भी फैसला होगा। सरकार का 2012 का कमेंट था, बोनस वाले भी 2012 का था, लेकिन उसमें अभी तक उन्होंने लिखित हमें लिखित भी नहीं दिया है। और ये वाला जो महिला कल्याण कोष वाला वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि हम कितना हम आंगनबाड़ी को देंगे वो लोग रिटायरमेंट दे। और आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हैं कि अब सरकार पे मानने के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमें मांगे को मानदेय बढ़ा दिया जाए। उधर राजधानी के रायपुर थाना क्षेत्र में 9 साल की मासूम की तांत्रिक के हाथों हुई हत्या के मामले में अब विरोध के सुर मुखर हो गए हैं। निजी संस्था के तहत मंडी परिषद अध्यक्ष ने एटीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शहर भर में फैले और विज्ञापन के जरिए तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे फर्जी बाबाओं और तांत्रिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मंडी परिषद अध्यक्ष ने यह भी मांग की है कि प्रशासन संयुक्त टीम बनाकर अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों पर छापेमारी करते हुए ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित करे जो कि भ्रूण की पहचान बता रहे हैं। राजधानी में मोटे मुनाफे के लिए बेटियों का कोख में कत्ल किया जा रहा है। इसके लिए हमने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने ये मांग की है कि इस तरह के तांत्रिकों को नोटिफाइड किया जाए, क्योंकि आज तांत्रिक होटलों में रह करके अखबारों में ऐड देते हैं और फिर भी हमारा प्रशासन कहीं ना कहीं सोया हुआ है। राजधानी में अति सुरक्षित स्थानों में शुमार आईजी ऑफिस से कैलेमेंटाउन थाना क्षेत्र रहने वाले शफी मोहम्मद पिछले 3 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। खास बात यह है कि बुजुर्ग भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत करने आईजी ऑफिस गया था। दूसरे पक्ष को भी आईजी ऑफिस के एसआईटी में बुलाया गया था। आईजी से बुजुर्ग के बेटे ने खुद शिकायत की है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कुछ संदिग्ध पहले से ही वहां मौजूद थे। इधर मामले को संज्ञान में लेते हुए ईजी गढ़वाल ने एसओजी और पुलिस को तत्काल जांच के आदेश भी दिए हैं। तीन दिन पहले एसआईटी में एक जांच चल रही थी लैंड से रिलेटेड फ्रॉड के संबंध में, उसमें एक पक्ष को बुलाया गया था। उसी क्रम पे जो एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे वो यहाँ ऑफिस आने के बाद से तत्काल वो अभी उनके फैमिली मेंबर्स आए, उन्होंने बताया कि यहाँ के बाद से वो मिले नहीं है। उसकी गुमशुदगी क्लेमेंटाउन थाने पे रजिस्टर्ड करा ली गई है। इसमें एसओजी लोकल थाने और एसआईटी की तीनों टीम मिलकर इस संबंध में विवरण प्राप्त कर रहे हैं। और अब बात आज की गुड न्यूज की। रुद्रपुर में अब ठेला और फल व्यवसायी बेतरीब तरीके के बजाय व्यवस्थित तरीके से व्यवसाय कर सकेंगे। नगर निगम में ठेली फल लगाने के लिए 3 जोन बनाए गए हैं जहां हर ठेला व्यवसायी को व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी। छोटे शहरों में रोजमर्रा की जिंदगी में ठेलों का अहम रोल है, लेकिन ये ठेले शहरों को बेतरतीब भी बना देते हैं। ठेलों का महत्व भी बना रहे और शहर भी बेतरतीब ना हो, इसका हल रुद्रपुर नगर निगम ने निकाला है। रुद्रपुर में ठेला व्यापारियों के लिए 3 वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं जहां ठेला व्यवसायी व्यापार कर सकेंगे। इनमें रुद्रपुर का गांधी पार्क, नैनीताल रोड और रुद्रपुर सब्जी मंडी के सामने की जगह चिन्हित की गई है। हमसे ठेले व्यवसायी मिले थे और हम भारत सरकार की योजना के फेरेज एक्ट नीति के तहत हमने सभी ठेले फल व्यवसायियों का सर्वे कराया है, जिसके तहत हमने 3 वेंडिंग जोन बनाए हैं। नंबर 1 गांधी पार्क के सामने, नंबर 2 नैनीताल रोड पर, नंबर 3 सब्जी मंडी, तथा किसी भी ठेले फल व्यवसाय के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। नगर निगम के इस निर्णय से ठेला व्यवसायियों में काफी खुशी है। अधिकतर ठेला व्यवसायियों का मानना है कि अब उन्हें पुलिस से बेवजह डरना नहीं होगा। जगह स्थापित की गई है, उस जगह के लिए हम खुश हैं, उसके लिए कि हमें वहाँ जगह दी जाए। नहर का भी हम शुक्रिया करते हैं कि कहीं चिंतित हम वो जगह यहाँ खड़े हो जाएंगे तो हमारे कोई आधा बचाव नहीं करेगी। अब ऐसे रोज पुलिस उधर बचाव करती है। रुद्रपुर से आकाश आहूजा, समाचार प्लस।